अब मैं आपको मिसाल देता हूं, अब ये साहिवाल का एक गांव ले लें, वहां का आम आप एक छोटा सा किसी किसान का बच्चा ले लें, वो पल के बड़ा होता है ना 25-30 साल की उम्र में, अगर कोई एसएचओ या कोई एएसआई उसकी जमीन पे कब्जा कर दे रहा, वो कब्जा नहीं छुड़ा देता। और एक वक्त आता है वो हार मान लेता है कि यार मैं ले ही नहीं सकता, दफा करो क्या हो गया। यही नॉर्मल आदमी है, यही नॉर्मल आदमी अगर आप 18 साल 17 साल की उम्र में फौज में भर्ती करवा दें और ये बंदा 25-30 साल की उम्र में जाके बॉर्डर पे खड़ा हो, तो ये अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन से मुकाबला कर रहा होता है। क्यों? जिम्मेदारी, जिम्मेदारी। वो अपना सारा कुछ हारने के लिए तैयार था इस वजह से कि यार मेरी जिंदगी बच जाए, अल्लाह ताला मुझे और जमीन दे देगा या मैं और कुछ कर लूंगा। लेकिन वही आदमी जब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बॉर्डर पे जाके खड़ा हुआ है, फिर वो एक कदम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, वो जान भी देने के लिए तैयार है, और यहां उसको मिल भी कुछ नहीं आता, क्योंकि बात अब उसके मुल्क की है। यार जब तुम लोग ऐसे सोच सकते हो तो मैं ऐसे क्यों ना सोचूं? कॉपीराइट तो नहीं है मुल्क का तुम्हारे पास?